मेरी संदीप दादा से अगर बात हो सकती है तो उसका नंबर वैसे इनके मोबाइल में होगा। अच्छा जी, मेरा नंबर हत्यारा वही है। जी मेरा नंबर हत्यारा वही है। और ये जयचंद, तीन चार बार उसने जयचंद जयचंद बोला। हाँ संदीप पात्र ने लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, कह रहे उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया कभी ये बात को, उनका ये लास्ट सेंटेंस था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। कार्ड नहीं है हिंदू बोलने का और ये जयचंद, तीन चार बार उसने जयचंद जयचंद बोला। हाँ पात्र ने लेकिन मुझे ये लगा था कि मेरा पति इतना स्ट्रांग है कि वो इसको मतलब कर लेंगे, फेस कर लेंगे, क्योंकि हमेशा सर समेत पास करके ऊपर डॉमिनेट ही किया। मैं तो डिबेट हमेशा कभी मैंने आपसे क्या रिकॉर्ड है मेरा डिबेट छोड़ ली मिली सारे काम छोड़ के सिर्फ डिबेट देखती थी इसलिए कि क्योंकि मैं ही सबसे पहले बताती थी कहाँ पे क्या सही है कहाँ क्या गलत है। पानी भी दो तीन बार किया वहाँ भी पानी नॉर्मली पी लेते बस। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आधा हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर लें या कई बार फीडबैक वगैरह लेते थे कि कैसी मेरी रिपेयर हुई। कल मैं एकदम पहुँच गई, देखा कि वो पैंट का बटन खोला हुआ था और सोफे पे क्या वो मशीन वगैरह आ रहा था। हाँ वाइट था थोड़ा सा, सफ़ेद बनना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा मेरा ना बीपी वो हो रहा है बटावन, मैंने बीपी चेक के लिए डॉक्टर को बुलाया। लेकिन हाँ एक बात मुझे और बोलनी है जी, मैं उसे भी मिलना चाह रहा था। अगर आप हो सकता है तो इसको आप दे देंगे नंबर, ठीक है। जो हो गया हमारा लॉस तो हो गया जी जी है ना, और हमें तो चाहिए भी नहीं, वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, कह रहे उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया कभी ये बात को।